हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही मजेदार अरबी की सब्जी बनाएंगे। एक बार मेरी तरह से अरबी की सब्जी बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। इसे आप चावल या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की यम्मी सी रेसिपी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए किचन की ओर चलें। सबसे पहले एक कप मसूर की दाल लेंगे। इसे दो बार अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। 250 ग्राम अरबी में एक कप मसूर की दाल लगेगी। देखिए, दाल को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब एक पतीले में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। इसके बाद लगभग 1.5 से 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे और बस दाल को 10 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक दाल पक रही है, तब तक हम अरबी को छीलकर कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे अरबी को छीलकर इस तरह से कट कर लिया है और धोकर अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अरबी को हम इसी तरह से कट करेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और 2 चम्मच उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। साथ ही 1 चम्मच सरसों के दाने डालकर इसे चटकने देंगे। सरसों चटक जाए, इसके बाद एक प्याज डालेंगे बारीक काटकर और थोड़ी सी हरी मिर्च भी बारीक काटकर। अब प्याज को हम थोड़ी सी भून लेंगे। प्याज को लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए। प्याज जब थोड़ी सी भून जाए, इसके बाद इसमें कटी हुई अरबी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट अच्छी तरह से भून लेने के बाद 2 मिनट के लिए ढककर इसे पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक टमाटर डालेंगे बारीक काटकर, साथ में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे। नमक तो मैं भूल ही गई थी, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले जले नहीं, इसलिए हम थोड़ी सी इसमें पानी डाल देंगे और 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून जाए, इसके बाद इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे ताकि अरबी अच्छे से पक जाए। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। अरबी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसूर की दाल ऐड कर देंगे, जिसे हमने पका लिया था। इसके बाद थोड़ी सी पानी और ऐड कर देंगे। तो चलिए, इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स करके ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए, हमारी अरबी की सब्जी एकदम तैयार है। एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने से पहले 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हरा धनिया। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए, हमारी मजेदार अरबी की सब्जी बनकर तैयार है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। दिख रहा है ना यम्मी, ये खाने में भी यम्मी है। आप इसे रोटी या चावल जिससे भी खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो फ्रेंड्स, अरबी और मसूर की दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस सब्जी को आज ही बनाइए और पूरे परिवार के साथ खाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की यम्मी रेसिपी के साथ।